नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज। भारतीय रेल के 2030 तक के कार्बन मुक्त बनाने के संकल्प में योगदान देते हुए मध्य रेल के मुंबई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके लाखों रुपए बचत कर नई पहल की है। लोनावाला और खंडाला बेल्ट एक हिल स्टेशन के रूप में भारत वर्ष में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और अब लोनावाला स्टेशन और इसके आसपास का रेलवे परिसर पूरी तरह से स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी से भरपूर होने से ये लोनावाला और खंडाला के बीच प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती को बढ़ा रहा है। लोनावाला मध्य रेल के मुंबई मंडल के अन्य रेलवे स्टेशनों के साथ साथ अब रेलवे स्टेशनों के इलियट क्लब में शामिल है, जो अपने संचालन के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। मध्य रेल ने क्लीन एनर्जी का उत्पादन करके और बिजली बिलों पर सालाना लाखों रुपए की बचत करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़ी ग्रीन पहल की शुरुआत की। स्टेशन प्रकाश के अलावा मध्य रेल ने सोलर पैनल, सोलर ट्रीज व सोलर कूलर स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि लोनावाला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के रूफ टॉप पर 76 kWp का उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। इन पैनलों से प्रति वर्ष 68/400 kWh के एनर्जी पैदा होने व उपयोग से लोनावाला स्टेशन को प्रति वर्ष बिजली बिलों पर 5.3 लाख रुपए की बचत होगी। लोनावाला स्टेशन के बाजार की तरफ गार्डन को रोशन करने के लिए 40 वाट सोलर पैनलों के साथ एकीकृत 40 वाट LED फिटिंग वाले प्रत्येक 2 सुंदर सौर पेड़ लगाए गए हैं। यह लोनावाला के यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। लोनावाला स्टेशन पर एक सौर ऊर्जा संचालित वाटर कूलर भी उपलब्ध कराया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के इस उपयोग के साथ खंडाला लोनावाला रेल खंड ग्रीन और क्लीन एनर्जी की ओर परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।